नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में सिंप्लीफाइड मेडिकल एक्सप्लेनेशंस के वीडियो बनाता हूं और आपको हम समझाते हैं मेडिकल जानकारी सिंपल लैंग्वेज में। और ये सारी जानकारी US नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से ली जाती है, जो वेरीफाइड है, लेटेस्ट है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन कब करते हैं, क्या है और उसके साइड इफेक्ट क्या है, कर सकते हैं कौन नहीं कर सकता, कौन कर सकता है, इस सब के बारे में आज हम जानेंगे। थोड़ा बहुत आप वैसे ही जानते होंगे कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ऑब्वियसली एक बर्थ कंट्रोल मेथड है, प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने का मेथड है कि आप प्रेग्नेंट ना हो जाएं गलती से, अगर आपसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया है या अगर मान लीजिए कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो गया है, रेप हो गया है, कॉन्डम ब्रेक हो गया, कॉन्डम टूट गया है, डायफ्राम स्लिप हो गया है, या अगर आप अपनी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, बर्थ कंट्रोल पिल लेना भूल गए हैं, या फिर अगर आपको नहीं पता कि कैसे यूज़ करते हैं, श्योर नहीं है और गलती से मिस्टेक हो गई है, तो इन सारी चीज़ों में, तो इन सारे केसेस में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन कैसे यूज़ करना है, उसमें कौन सी दवा इस्तेमाल करनी है और क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। शुरू करते हैं। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। दोस्तों, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली ऑब्वियसली प्रेगनेंसी प्रिवेंट करता है, लेकिन ये बिल्कुल वैसे प्रिवेंट करता है जैसे कि एक बर्थ कंट्रोल पिल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रिवेंट करती है बेसिकली हॉर्मोन से, राइट। सो ये दो ही तरीके से काम करता है। नंबर एक, या तो ये आपके अंदर जो एग प्रोड्यूस होता है उसको नहीं होने देगा या डिले करेगा, या फिर जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म को, शुक्राणुओं को, अंडों को फर्टिलाइज नहीं करने देगा। सो दो ही तरीके से काम करते हैं और दो अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। पहला तरीका है दवाई गोली लेना, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, और ये पिल, इस पिल में एक हार्मोन होता है, ये एक मैन मेड सिंथेटिक फॉर्म है आपके नेचुरली ऑकरिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का। प्रोजेस्टेरोन का मैन मेड सिंथेटिक हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टिन। तो प्रोजेस्टिन या प्रोजेस्टेरोन आपके इस दवाई में होगा, आपके इस गोली में होगा जो आप ले सकते हैं, और ये सबसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक और मेथड है, दूसरा मेथड है इंट्रा यूटराइन डिवाइस लगा लेने का। आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे IUD भी लगवा सकते हैं और वो भी कॉन्ट्रासेप्शन करता है। ये दोनों मेथड्स दोस्तों, जो दवा आती है ये कई प्रकार की आती है, कई दफ़ा एक ही दवा, एक ही गोली खानी होती है, कई दफ़ा दो गोलियां होती हैं जिसमें कि एक गोली साथ में, एक जिसमें कि एक गोली पहले, दूसरी गोली 12 घंटे के बाद लेनी होती है, या दोनों साथ में भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ कुछ। बेसिकली आप जो भी दवा लेंगे उसके ऊपर जो पैम्फलेट होगा, जो नोट होगा, उसमें लिखा होगा कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन कोई भी गोली, कोई भी दवा, कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का, उसको अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 5 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है, 5 दिन के अंदर। और दोस्तों, नॉर्मली इस प्रकार की दवा लेने के लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, एक नया भी एक दवाई आने लग गई है जिसे हम उलीप्रिस्टल एसिटेट, एला कहते हैं, एला, इस दवाई के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन लगेगा। इसका एक सिंगल टैबलेट आती है और ये भी 5 दिन के अंदर अंदर लेना होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स के। तो प्रोजेस्टेरोन हो गया, ओलिप्रिस्टल हो गए, और एक और चीज़ आपको बतानी है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स जो आप लेते हैं, OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। जी हाँ, इसके लिए आप अपने वजन के अनुसार अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कितनी दवाई लेनी होगी अपने केस में। नॉर्मली दो से पाँच ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक साथ लेने पर सेम इफेक्ट देखा गया है, ठीक है। और ऑब्वियसली जैसा हमने बताया, इंट्रा यूटरिन डिवाइस तो लगा ही सकते हो। ये डिवाइस आप ऑब्वियसली, इसको भी 5 दिन के अंदर अंदर लगाना होगा। इस बात का ध्यान रखें कि इस
आईयूडी में इंट्रायूटराइन डिवाइस में कॉपर की छोटी मात्रा कॉपर की होनी बेहतर है, कॉपर होना चाहिए, इसलिए इसको कॉपर टी भी कहते हैं, कॉपर टी आईयूडी है ना। सो दूसरी चीज, आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहें तो अगले महीना आने के बाद इस कॉपर टी को आईयूडी को निकलवा भी सकते हैं या लंबे समय के लिए रख के कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का बेस्ट इफेक्ट तब आता है अगर उसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 24 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल किया जाए, 24 घंटे के अंदर, राइट। लेकिन फिर भी अगर 5 दिन के अंदर ले लिया तो भी उसके अच्छे चांसेस होते हैं, मिट वो प्रिवेंट कर सकता है, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है, लेकिन ये 100% इफेक्टिव नहीं है, और कुछ मामलों में इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जैसे कि अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं कुछ दिनों से तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, या अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है अननोन रीजन से, पता नहीं क्यों लेकिन ब्लीडिंग हो रही है, तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर से जाके बात करें, अपने डॉक्टर से बात करें और फिर उनसे पूछें क्या करना चाहिए। और इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स में हेडेक हो सकता है, कमज़ोरी आ सकती है, मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होती है एमसी में वो इरेगुलर हो सकती है, उल्टी भी आ सकती है, उबकाई भी आ सकती है और कई, लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं बहुत माइल्ड होते हैं, अब ठीक हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि इस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के लेने के बाद आपका जो महीना आएगा या तो वो थोड़ा जल्दी आ जाएगा या थोड़ा लेट आएगा, इरेगुलर हो जाएगा, या फिर ब्लीडिंग भी उल्टी सीधी हो सकती है, कभी कम कभी लाइट, ऐसे भी हो सकती है, किसी में कम किसी में हैवी। ज़्यादातर लेडीज़ का जो नेक्स्ट महीना है वो 7 दिन के अंदर अंदर आ जाता है जब भी एक्सपेक्टेड डेट होता है उसके आगे पीछे, और अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी ले लिया है, 3 हफ्ते हो गए हैं, महीना नहीं आया, तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो आप जाके डॉक्टर से चेकअप कराइए, राइट। और तो ये एक बात है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हर बार काम नहीं करता, डज नॉट वर्क ऑलवेज, 100% इफेक्टिव नहीं है, लेकिन रिसर्च ही बताती है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल करने से लॉन्ग टर्म में आपके बच्चा पैदा करने की क्षमता या आपके होने वाले बच्चे को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये बात याद रखिए, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एक रूटीन बर्थ कंट्रोल मेथड नहीं है, इसे आप रेगुलरली इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि बर्थ कंट्रोल पिल है। अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के मुकाबले। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव को आप इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करेंगे बस, और बाकी किसी भी जानकारी के लिए, बाकी किसी प्रॉब्लम के लिए आप डॉक्टर से मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप रेगुलर बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते भी हैं तो भी आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें हुई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की। इस ये पिल्स जो हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं इनके, जैसे मॉर्निंग आफ्टर पिल बोल सकते हैं इसको, मेडिकल लैंग्वेज में पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन भी कहते हैं। सो ये सारी जानकारी हुई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, तो आई होप आपको समझ में आई है। इसको शेयर करिए, जितने भी आपके दोस्त हैं सेक्सुअली एक्टिव हैं इनको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और ख़ासकर फीमेल्स को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और इस वीडियो के अलावा हमारे दूसरे चैनल डॉक्टर एजुकेशन FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, उस FAQ चैनल में आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल का आइकन दबाइए। जो लोग मुझे नहीं जानते, आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेहरू नगर दिल्ली NCR, डॉक्टर परमजीत, और यह है मेरा चैनल डॉक्टर एजुकेशन। डॉक्टर एजुकेशन के दो चैनल हैं, डॉक्टर एजुकेशन और डॉक्टर एजुकेशन FAQs, दोनों को सब्सक्राइब करिए, दोनों में बेल का आइकन दबाइए और सबको बताइए। कल फिर मैं आपसे मिलूंगा इसी समय एक नया टॉपिक के साथ। देखते रहिए मेरा चैनल, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।